टूट चुका है सपा और कांग्रेस का गठबंधन, फूलपुर में खिलेगा कमल। प्रयागराज फूलपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी दीपक पटेल के नामांकन दाखिले में शामिल होने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में ये बातें कही। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन टूट चुका है। सपा या कांग्रेस के साथ जो भी जाता है वो डूब जाता है। सपा के दावों की दवाई हो चुकी है, फूलपुर में फिर से कमल खिलने जा रहा है। भाजपा ने चुनाव जीता है, अब फूलपुर में भी जीत दर्ज करने जा रही है। फूलपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी दीपक पटेल के नामांकन दाखिले में शामिल होने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में यह बातें कही। उन्होंने कहा कि इतने कम समय में भाजपा प्रत्याशी के जुलूस में उमड़ा जनसैलाब, ये साबित करता है कि भाजपा की जीत यहां सुनिश्चित है। कहा कि इसका उदाहरण हरियाणा का चुनाव है, जहां पर तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में भी भाजपा जीत दर्ज करने जा रही है। रूप में श्री दीपक पटेल फूलपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन कर रहे हैं। एक सेट दाखिल होने के बाद मैं यहां आ गया हूं, बाकी तीन सेट वो और दाखिल करेंगे। मैं ये कह सकता हूं कि हम फूलपुर सहित उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को जीतेंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूट चुका है। जो माहौल सपा के पक्ष में या कांग्रेस के पक्ष में लोकसभा चुनाव में बन गया था, अब उस माहौल की हवा निकल गई है। हरियाणा में विजय के साथ भाजपा का विजय रथ फिर आगे बढ़ गया। हमें पूरा विश्वास है कि यह विजय 2027 में 2017 दोहराने के नींव की मजबूत ईंट बनेगा। अच्छा, अखिलेश और इंडी गठबंधन में कांग्रेस में यहाँ पर भी उनके जिलाध्यक्ष नहीं, देखिए कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या अन्य इंडी गठबंधन के दल हो, कांग्रेस मुक्त भारत देश, सपा बसपा से मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का जनता ठान चुकी। धन्यवाद।